क्विकली सी दिस केस आर मिसिंग आउट इन पिक्चर्स, आप उनको निकाल ही सकते पिक्चर से, तो अगस्त्य प्लीज स्टैंड, आपको पिक्चर लेना है पहले कि पहले जेनेरिक सवाल नहीं, हम हमने सब पब्लिक डिमांड की सोचते हैं खिचड़ी इज बैड बिकॉज पीपल आस्क फॉर इट, पहले पिक्चर एक मिनट भैया वोटिंग चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक जगह जाएगा नहीं जनता ओके जेनेरिक क्वेश्चन तो किचन जनता डिमांड जो सबको एप्लीकेबल है रेडी है कोई नमस्कार क्या चल एकदम म्यूजिक की बात करें टोटल आई एम सो सॉरी नहीं आई एम सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी एपोलॉजीज मैं एक्साइटेड हूं मैं ज्यादा बोल लेता हूं I forgot, before she asked the question, I have to thank you technicians, I said in the beginning. Please give a huge round of applause to Uttar Kora and Rora Kora. Why? They have done music for many shows, but Khichdi's music, jab introduced hua tha, wo apne aap mein ek kirdaar tha. तो आतिश इतना इन्वॉल्व रहता है सीन में तो लिखते टाइम मेरा एक म्यूजिक सोचता है तो वो म्यूजिक सोचना और फिर वो करना एंड देन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है मेरी बात आप मानो ना मानो मुझे पता नहीं है तो सबके बारे में अच्छा बोलता है ऐसा नहीं है पर सब अच्छे हैं इसलिए खिचड़ी इतना अच्छा सुनता है दिस ओनली हैपन विद टीम वर्क ऑफ जीनियसेस ये मैडनेस समझना उस तरह का म्यूजिक लाना उस तरह का म्यूजिक करना कोई आसान बात नहीं तो उत्तम एंड उर्वा फादर सन डियो आर जीनियस सुपर्ब एंड आज के बाद आप पिछले एपिसोड तो देखोगे आप इसमें भी कुछ चीजें आप याद रखना और कुछ साउंड्स और देखना दे आर अनबिलीवेबल वो अगर गैग कॉम्प्लीमेंट अगर लोग हंसेंगे नहीं अगर वो म्यूजिक हंसेंगे एक आतिश और सुशील सब या आई वुड लाइक टू से दैट उत्तम एंड उर्वा दे हैव बीन सो इमेजिनेटिव इतनी सुंदर तरह से उन्होंने सोचा कि इसको जो है सिर्फ मतलब कारपेट टू कारपेट ऐसे म्यूजिक लगा देना तो बहुत आसान है काफी शोज में होता रहता है लेकिन उसको एक कैरेक्टर बनाना संगीत को कोई अगर कैरेक्टर की तरह सोचता है कि ऐसे कैरेक्टर के बीच संगीत भी अपने आप में कैरेक्टर बन के बाहर आए तो ये उनकी खूबी है उन्होंने साउंड को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि रेगुलर की जगह पे जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे कि अरे मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और सब लोग जो है रिलीव करते हैं तो उधर उन्होंने ऐसा म्यूजिक डाला जैसे कि बेटा पैदा हुआ टॉम 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 सितार बज रहे हैं कोई मर रहा है तो एंटी म्यूजिक को एक कैरेक्टर बना के एंड व्हिच इज व्हाई यू लाफ यू माइट नॉट सबकॉन्शियसली पता नहीं चलेगा लेकिन खुशी का म्यूजिक बजाएगा अच्छा हमें लगा हमारी रस्सी चली गई आत्महत्या कर रहे हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ जो म्यूजिक इनका है सही मायने में मैं कह रहा हूं वो भी खिचड़ी का एक पात्र है वो किरदार एज एन एक्टर बहुत बार क्या होता है कि क्यूज देते वक्त आतिश उस म्यूजिक को यूज करता है और हम उस पे रिएक्ट करते हैं एज इफ वी नो द म्यूजिक ईच थिंग हैज अ सर्टेन लाइक प्रफुल दिस मूवमेंट हैज अ साउंड व्हिच ही जस्ट सेज दैट व्हाट ही इज गिविंग अ क्यू टू मी एंड आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट प्रफुल इज डूइंग सो ऑल दिस आई थिंक हैज अ लॉट टू डू विद द वे ही इज हैव बीन एबल टू डू द म्यूजिक रियली और लोगों को भूल गया हूं पहले उनका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी बनता है इज आवर ब्रिलियंट एडिटर्स आज के दिन में कोई भी शो एक टेबल पे जब आता है अजय एंड अशोक मीडिया आगे बहुत है प्लीज गिव देम अ बिग हैंड ये छोटी जगह में बैठने के आदि एडिटर हमारे बहुत छोटे छोटे होते हैं तो कहीं भी फिट हो जाएंगे प्लीज उनको बैठने की थोड़ी सी जगह दे दो जगह की कमी है तो दूसरा एक हमारे आज हमारे बीच नहीं है यानी है अपने घर पे यहाँ नहीं है हमारे सेट डिजाइनर प्रिया ब्रिलियंट इज द वर्ड जब आप इसमें ना ये सेट दिखाया नहीं आप लोगों हम थोड़े चीटर क्यों हम और एक विजिट करवाना चाहते हैं सेट विजिट
और ये सेट जब देखोगे मेरा ये एक सेंटेंस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मोबाइल पे और फिर मुझे सुना सकते हैं, ऐसा बोला ऐसा तो है नहीं कुछ झूठ बोलता है वर्ल्ड में कहीं भी कभी भी आपने नहीं देखा होगा ऐसा सेट वर्ल्ड में. आई एम टेलिंग यू मार्क माय वर्ड्स एंड क्वेश्चन मी ऑन दैट डे. सर सही बात है या तो सर या जैसे संगीत एक पात्र है वैसे इस सीजन में हमारा सेट एक बहुत बड़ा पात्र है. वो कहानी का एक हिस्सा है और क्यों है वो अगर आप सेट देखेंगे तो आपको अंदाज आएगा कि अच्छा ये कहानी से इस तरह से जुड़ा हुआ है. इतने लोगों को साथ रखने के लिए सबसे बड़ा योगदान मुझे तो आतिश जी ने बहुत मेरी तारीफ करी प्रोडक्शन के लिए, पर मेरी एक टीम जो जबरदस्त है. आपको पता है परसों तक वेन्यू और सब कुछ और था, ये कोई भी नहीं था, ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टूडियो हमें कैंसिल हो चुकी थी, पर एक रात में टू पुल दिस एंटायर थिंग ऑफ. हैट्स ऑफ टू द टीम ऑफ हैट्स ऑफ दैट बीइंग लेड बाय मयूर. मयूर कोटक प्लीज कम. इफ अंकुर इज देयर प्लीज कम. श्वेता हुज आवर क्रिएटिव हेड प्लीज कम. विश्वजीत हमारे सारे स्पॉट बॉयज, आप ये पूछो किसी को भी, हमारे स्पॉट बॉयज ऐसे हैं जो 15-20 साल से आज भी है. पीपल रिमेंबर देम फॉर देयर सर्विस. एंटायर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अवर मेकअप टीम इज सुपर. हम सब अच्छे लग रहे हैं ना, तो हमारे कुछ मेकअप टीम वाले जो हमारे संतोष को लगा मेरा नाम नहीं लिया सर ने, सुमित को लगा कि आज मैं सुप्रिया जी के घर पे लेट पहुंचा तो ये तो मुझे सर बुलाएंगे नहीं. सुमित ले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट होने के, ये है वो दरिंदा, ये है वो दरिंदा जिसकी वजह से आज, अरे हाँ ना जिसकी वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हो रही है. ये ध्यान से देखिए इसे, ये सुमित जी का मेकअप करने लेट पहुंचा है और इसकी वजह से सुमित जी थोड़ी देर आज ठीक नहीं लग रही है, जल्दी मेकअप हुआ है. तो सुमित जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत अच्छी लग रही थी. तो ये है वो बंदा, ये हो एंजल जिसकी वजह से सुप्रिया जी ठीक है. बस नहीं, हमने आज ये तय किया है, मैं दो बार कहीं ओवर स्मार्ट लगूं तो प्लीज एक्सक्यूज मी. हमारा एक पॉइंट था कि हमने एकदम सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस ली करी. यू ऑल एंजॉयिंग इट? यस. वी आर गोइंग गुड. थैंक यू. बाकी सब लोग बैठ जाओ, बाकी एक तरह के फोटो ले लो और थैंक यू वेरी मच. एंड मैं इसको भूल रहा हूँ, आई मस्ट मेंशन चंद्रिका हुज आल्सो बीन अ ग्रेट ग्रेट. उसकी शक्ल मेरा नाम क्यों बदले? एंड हाँ कैमरामैन इधर, हाँ विजय और राहुल, फैंटास्टिक सिनेमेटोग्राफर विजय, अनबिलीवेबल काइंड ऑफ हार्ड वर्क एंड इज सुपर. अनफॉर्चुनेटली ही इज गॉन ऑन हॉलिडे. Thank you, sir. So he's not here. मैं किसी का नाम लेने में भूल रहा हूँ तो प्लीज बोलिए. शमा जी, सुप्रिया जी प्लीज, स्वाति, शमा जी, मैंने बोला मैं भूल सकता हूँ. सबका नाम लिया, मैं दो नाम लेना ही पड़ेगा नहीं तो खाना नहीं मिलेगा. थैंक यू स्वाति, थैंक यू शमा जी. एंड यू नो वी हैव बीन हैविंग रियली बिजी शेड्यूल्स, वेरी बिजी, वेरी हैक्टिक. Our wives really stood by us. And वो खाली अवार्ड मिलता है तभी जाके वाइफ को थैंक यू बोलते, पता नहीं इसमें मिलेगा कि नहीं, तो आज ही बुला लिया वाइफ को कि तो आजा इसका. अरे पहले से कोई कैसे श्योर होता है तो वाइफ ने बोला थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा. बोला अवार्ड मिले तो अवार्ड मिला, नहीं मिला क्या पता चलेगा. तो प्लीज एलिसन एंड नीपा खाली हाथ देखो, बस देखो दिखता ना इनके लिए एक एक बात कहनी वाइफ के लिए, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, जरूरी है दोनों की वाइफ के लिए एक बात कहना जरूरी है क्योंकि कुछ हमारे बच्चे इस बारी जो है किरदार निभा रहे हैं, जैकी और चक्की, इनकी बेटी और मेरा बेटा, तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि हम स्कूल ड्रॉप नहीं करते. स्कूल के बाद जो है उनको स्कूल से डायरेक्टली भेजना और फिर वापस लेकर जाना और प्लस उनके स्केड्यूल्स के साथ साथ उनके परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी स्टडीज का भी ध्यान रखना, तो इट बिकम्स अ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज़
they do not miss school. They have to attend school and they come after school only. Otherwise, we shoot with them on Saturdays, Sundays. So they are being very cooperative wise. And in the truest sense, I say this, that, you know, Bhagwan kare ki ye. सबको ऐसी बीवी मिले से मत बोलो। ये सीजन बहुत सक्सेसफुल हो तो हम और भी कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएंगे कि दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन एंड देयर आर। और बच्चों के बारे में खास कहना चाहूंगा, बच्चों के लिए खास ये कहना चाहूंगा कि जब हमने बोला हमारे बच्चे, तो हम ज्यादातर ये कोशिश कर रहे थे कि हर समय जब भी कोई बच्चा, वी ट्राई एंड शूट ऑन सैटरडे संडे एंड जब पॉसिबल होता है एक उनके स्कूल के आवर्स के, because we believe it. With this, any more thing, if I have forgotten, please remind me. I said the spot boys. She reminded with names, Ali uncle, Tara uncle, and Gautam, and Vijay, and many. Okay? हम भूल जाते हैं, कोई यहाँ भी आते हैं, हमको सर्विस करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, we felt के खिचड़ी में, इतने सालों से जो लोग हैं, सबका contribution है. It's a team work. खिचड़ी का एक एक दाना, मसाला, और जितना भी होता है, इकट्ठा मिलके टीम वर्क, ड्राइवर का फोन है, ये ड्राइवर्स भी हमारे बहुत, वो बोल रहा है सर मेरा नाम नहीं लिया, हाँ हाँ थैंक यू बोल रहा हूँ आपको, सब ड्राइवर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, थैंक यू वेरी मच। एक वेरी जनरिक क्वेश्चन, तीन बार ऑप्शन होगा, उसके बाद हाथ का बाकी। आपने बहुत सारे कलाकारों को देखा और खिचड़ी में इस बार ऐसा था कि नया क्या है, ये प्रश्न तो आता है जब भी कोई सीक्वल आती है, तो नया क्या है, तो हमारा एक वो ऐसा था कि हम सबसे पहले आपके क्वेश्चन से अगर कोई नहीं पूछने वाला तो मैं होमवर्क करके आया, तो उसका जवाब वहां से शुरू करूं कि नया क्या है एंड आई विल आंसर, क्योंकि ये जनरिक है। खिचड़ी पहले आता था हाफ एन आवर आता, आधे घंटे का वीक में एक एपिसोड आता था, बहुत चला, इतने सालों में हम नहीं कर पाए तो लोग बहुत डिमांड करते थे कि हमको खिचड़ी दो दो, खिचड़ी लाओ खिचड़ी लाओ खिचड़ी लाओ, तो हमने दो घंटे की मूवी बनाई, दो घंटे की मूवी बनाई, अब वापस लाना एज टीवी शो तो हाफ एन आवर वीकली वॉज नॉट बेस्ट पॉसिबल, सो हमने एक लाइन डिसाइड करी कि लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं, इतना मांग रहे हैं खिचड़ी का, तो क्या करें, तो हमने नएपन में ये सोचा कि खिचड़ी पेट भर के खाओ, एक लाइन बनाते हैं खिचड़ी पेट भर के खाओ, पेट भर के खाने से ये होता है कि आधे घंटे में भी नहीं करेंगे, दो घंटे की रोज फिल्म नहीं दे सकते, तो लेट मी टेल यू समथिंग, अ फैंटास्टिक गुड न्यूज फॉर द न्यू सीजन इज खिचड़ी हर शनिवार और रविवार रात को एक एक घंटे के लिए आएगा, इसके 20 ही एपिसोड होंगे पर ये 20 फिल्म है, एक एक घंटे की 20 फिल्म है, यानी बेस लाइन इज खिचड़ी पेट भर के खाओ, 1 आवर फिल्म एवरी सैटरडे एंड संडे, तो उसको इतना बरकरार, उसका मजा बरकरार रखने के लिए हमको कुछ एडिशनल जो बाहर से छोटे छोटे किरदार पहले आते थे, फैमिली है उनमें बाहर से भी किरदार आते हैं, तो वो किरदारों में वी नीडेड स्ट्रॉन्ग एक्टर्स, हम हमेशा थिएटर के और सारे अच्छे एक्टर्स को कास्ट करते थे, ऑल्सो इतने सालों में खिचड़ी हैज क्रॉस्ड लाइंस, बहुत लोगों के पास पहुंची है, तो कुछ लोगों को अभी भी बातें सुनी पर पता नहीं है, वी वांट मोर ऑडियंसेस टू कम, तो ये जो आपने देखा देवीना टू राजेश कुमार टू दीपशिखा टू सरिता जी टू मेनी अदर एक्टर्स, पॉपुलर एक्टर्स रेणुका शाणे, ये सब के जो फैंस है वो भी खिचड़ी पे आएंगे, एंड सबसे बड़ी बात है ये जो खिचड़ी के किरदार तब थे और आज में बड़ा फर्क है, ये इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, इतने बड़े हो गए इन परसेप्शन कि वो अगर किसी छोटे आदमी की मस्ती करेंगे तो शायद लोगों को उतना मजा ना आए, पर इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टर वेरी पॉपुलर कैरेक्टर हु हिमसेल्फ एज इमेज, तो उसका मजा रस ज्यादा रहता है, इसलिए हर एपिसोड में आप देखोगे दो तीन अच्छे बड़े बड़े कलाकार इसमें कास्ट किए, इसमें और कुछ भी है आई एम श्योर इंडिविजुअली पीपल विल सी, ये जनरिक सारा हो गया, एनी क्वेश्चन? आपको जब खिचड़ी ऑफर की गई तो किस तरह का एक्साइटमेंट आपका, खिचड़ी ऐसी चीज
सारे ही बहुत अच्छे से करना चाह रहे थे साथ में, और हम जब भी मिलते थे हम हमेशा इसकी बात करते थे कि भाई हम वापस खिचड़ी क्यों नहीं ला सकते, और हमें इस बात ही समझ में नहीं आता था कि क्या प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज मुझे लगता है बहुत इंजॉयबल, बहुत लवेबल, बहुत फैमिली ओरिएंटेड, बहुत ह्यूमरस एक प्रोडक्ट है जिसको क्यों कोई ना लाए, तो हमें समझ में नहीं आता। इस वजह से हम हमेशा ये डिस्कशन करते थे आपस में कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक जॉइंट एफर्ट, जब जेडी ने कहा कि पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो आई थिंक और आई पर्सनली तो जंप कर दे सेइंग दैट आई बी, एंड ऑल्सो मैं हंसा को बहुत मिस कर रही थी, मैंने बहुत सारा काम किया पर मैं हंसा को एक मिस कर रही थी, तो मैं चाह रही थी कि एक बार फिर से करके देखूँ क्या उतने ही मज़े फिर से आते हैं आके आए, तो मैं तो फिर से मिस करने लगूँगी आई थिंक। सबसे पहले ही आई थी फर्स्ट ओनर, आप देखने ही नहीं देते वापस कैसे चल रही, आप प्लीज या तो बैठ जाइए पीछे मैं नहीं, मुझे हंसा करने में बहुत दिक्कत फिर से नहीं आई, बिकॉज मुझे लगता है वो कहीं अभी भी मेरे अंदर बहुत स्ट्रांगली अलाइव, तो उसको सिर्फ एक थोड़ा खुरीदने की जरूरत थी और बाहर आ गई, तो मुझे आई थिंक अभी भी मुझे ऐसा लगता है वो अंदर मेरे बसी हुई है, मुश्किल नहीं होती वो। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि हंसा ले लो, जयश्री ले लो, हिमांशु ले लो, प्रफुल्ल ले लो, बाबूजी ले लो, प्रिंसिपल कैरेक्टर, वो भूत है, वो आप 20 साल बाद भी इनको जगा के बोलोगे कि वंदना वंदना जैसी बन जा, हाँ हाँ बन जाती हूँ, वन करके चालू हो जाए, नॉट किडिंग, इज अ घोस्ट, ये घूमते रहते हैं जब शो बंद होता है, तो जैसे शो वापस आ जाए तो धड़ाम से इसके अंदर इज द घोस्ट मास्टर, इज द घोस्ट मास्टर, ये बोलता रहा वैसे ही, जैसे वंदना हैज इज कमिंग बैक आफ्टर अ गैप ऑफ 13 इयर्स, डे वन हर फर्स्ट शॉट, तो आप ही बताइए आपकी नर्वस थी लेकिन क्या हुआ? या इज राइट, पहले ही दिन बिकॉज़ आई हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो मैं थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन एज ही सेड कि सेट पे आने के बाद सब ऐसे चकाचौंध हो जाते हैं, तो आई वाज लाइक वेरी वेरी हैप्पी, बट द थिंग वाज कि जयश्री इतने टाइम बाद आई है तो वापस उसी तरह का यू नो प्रॉपर डिलीवर करना जयश्री जयश्री, मैं थोड़ी सी नर्वस थी। आतिश ने वही बोला कि यू कैन डू द कॉस्ट्यूम एंड देन यू टेल मी, एंड आई स्वेयर अपॉन गॉड, आई मीन मैं चेंज करके कपड़े पहन के बाल बाल मेकअप करके जैसे ही सेट पे आई, आई वाज जयश्री, सो आई थिंक ही इज राइट, वो होस्ट है हम लोग, और राजीव को पर्सनली मिलेंगे तो इसका अनुभव बराबर ज्यादा होगा, सवाल कुछ ऐसा ऐसा कुछ लिखेगी नहीं दोस्त, ऐसे क्यों लिखेगी वो, आदि टिकट में किसको देखने मिलता है, आप उसके आगे प्लीज, और सम ऑफ यू कम दिस साइड, बैठ जाओ, फोटो अपॉर्चुनिटी एक भी मिस हो जाए तो मुझे याद रखना, थैंक यू। इतना सुपर हिट सीरियल था, बहुत एक्साइटेड है क्योंकि नर्वसनेस वाला स्टेज चला गया, क्या है आप जब कुछ भी करते हो ना, व्हेन यू ब्रिंग बैक अ ब्रांड, आप जब एक सीक्वल बनाते हो तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज यू नो एक बेंचमार्क सेट हुआ है और आपको उसके लिए अब वो बेंचमार्क के ऊपर ही जाना है,
पर उसका एक प्रोसेस होता है कि या तो आप तुरंत कर लो, सोचे समझे बगैर करो। तो हमने क्या कहना, एट हेड्स ऑफ मी एंड आतिश, हम लोगों ने एक कल एक ऐसा कॉल लिया कि अगर आपको खिचड़ी और सारा भाई जैसे शूज वापस लाने हैं तो आपको बाकी सारा काम एक बाजू पे रख देना पड़ेगा। हमने जितना कुछ ध्यान देना है जो भी है फाइनेंशियली वर्क द फॉर अस और नॉट एज अ कंपनी, वी हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट वी सेड पहला ही सेंटेंस था हमारा कि हमको भोग बहुत देना पड़ेगा अगर ये करना चाहते हैं। हम करना इसलिए चाहते हैं कि लोगों की इतनी डिमांड है, लोग इतना पसंद कर, लोग इतना मांग रहे हैं। सिंपल सा इक्वेशन था, यहां लोगों को ये नहीं मालूम है कि क्या करे वो जनता को पसंद आएगा। हमको पता जरूर था कि खिचड़ी करेंगे तो मांग ही रहे तो पसंद बहुत आएगा, तो वो करने के लिए मैंने जो कहा कंपनी में थोड़ा सा भोग देता, तो हमारी प्रोसेस जो थी वो हमने करेक्ट करी कि बहुत मेहनत करेंगे, स्क्रिप्ट्स पर बहुत काम करेंगे, आतिश को जब तक वो रात एक करेक्ट सुर नहीं लगेगा तब तक हम कोई रिस्पॉन्स लेके शुरू नहीं करेंगे, और वो वक्त लेंगे जो टीम को इकट्ठा करना बहुत डिफिकल्ट, इतने टैलेंटेड लोग हर जगह बिजी रहते हैं, वो सारा करने के बाद जब प्रोसेस में बहुत ही करेक्ट प्रोसेस में काम किया तो नर्वसनेस आहिस्ता आहिस्ता दूर होती है क्योंकि हमको लगा हाँ हम स्टेप बाय स्टेप करेक्ट जा रहे हैं, और अब थोड़ा सा सीरियस टेक्निकल जॉब हो गया। जैसे प्रोमो आया हमारा सारा नर्वसनेस दूर हो गया, क्योंकि आपको एक बात बता देता हूँ, मैं बताने के लिए ऐसी खबर देता हूँ, मेरी बैंड बजने वाली है पर मैं बोल देता हूँ आप लोगों का, एक बॉम्ब फोड़ू छू, सब रेडी है ना, एक बॉम्ब फोड़ दू। हमारा ना गलती से हमारा एक एपिसोड है ना यूट्यूब पे लीक हो गया, किसी ने कॉपी मार के कर दिया था, उसमें ना आधे घंटे में थोड़ 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 क्या रिएक्शन आए, इंतजार आता ही नहीं किसी का, एंड यू नो व्हाट ऑल ओवर जुगल चैनल का ऐसा रहा, शक्ल ऐसी थी एक भी ऑल थम्स अप एंड नॉट अ सिंगल डाउन, तो हमारा ना वो नर्वसनेस एकदम दूर हो गया था, और प्रोमो का जो रिएक्शन है इट हैज बीन अनबिलीवेबल, सो वी आर वेरी एक्साइटेड, नो नर्वस, नॉट नर्वस एट ऑल। हमारा एक लास्ट ये शोरील आपने देखी अभी, वो देख के जो लाफ्टर था ना तब तक नर्वस थे, ऐसे थे हंसे के नहीं गोली नहीं थी हंसती, अरे बोलो हंसे छे ऐसा करके, वी वेरी हैप्पी नाउ। एक नर्वसनेस तब भी चली जाती है जब आप जिस चैनल पे आने वाले हो, जिस माध्यम पे आने वाले हो, वो कॉन्फिडेंस दिखाए। तो जब हमने पायलट सबमिट किया तो स्टार प्लस हॉटस्टार इन्होंने देखकर सारे एग्जीक्यूटिव्स ने इंडिविजुअली फोन करके बताया कि बैंग ऑन, इतना बढ़िया इतना खूबसूरत शो बनाया है कि ये तो बहुत मजे आएंगे। तो तभी थोड़ी नर्वसनेस दूर हो गई थी कि हैंड इन हैंड अगर चलते हैं और सामने जो माध्यम होता है वो हमको जो है सराहता है और वो हमको कॉन्फिडेंस देता है तो और भी अच्छा लगता है। तो आधी नर्वसनेस वहीं दूर हो गई, और जैसे इन्होंने कहा कि प्रोमो देखकर जो जो हंगामा खड़ा हो गया उसको देखकर थोड़े से और रिलैक्स हो। Hotstar is the strongest platform for Hindi content or Hindi content, Indian content. International, so they have very strong library. And when you get such a good platform, why would you not go on that? Why would you miss on it? Number one platform, and with Sarabhai, we have generated so many huge number of fans, which they want to, you know, see what star, what star. Atish GD, Hats of Production with this team collectively bringing on the platform. So we already were fan base who loved our work. So कहीं पे भी नहीं जाने का कोई एक भी reason नहीं। There are many reasons to come on Hotstar. The first and foremost, it's a very strong platform. Hi, this is Priyanka. कहते हैं कमेटी में काफी सारी टैगिंग की जरूरत होती है। अच्छा एक मिनट, लेकिन आप अपना सेल को वीडियो लेके तो नहीं बोल रही ना हमारे? नहीं, तो आजकल वो फीचर था ना मोबाइल में, खोल लेते हैं सामने वाले तो उसका फोटो ले रहे हैं। आप नहीं क्या कमेटी की टाइमिंग की जरूरत होती है, सो शूटिंग के दौरान लाइक कितने आप लोग स्क्रिप्ट्स में टाइमिंग के ऊपर आई थिंक लेट आतिश एंड अदर एक्टर्स टॉक अबाउट इट। मेरा टाइमिंग अच्छा है, आपने बहुत बोला हुआ है। नहीं, ये ना अक्सर ऐसा बोलते हैं, इट्स अ वेरी अब्यूज्ड लाइन, कॉमेडी इज ऑल अबाउट टाइमिंग, कॉमेडी इज ऑल अबाउट टाइमिंग इफ यू आर ऑन स्टेज,
बिकॉज स्टेज पे लाइव होता है, अगर आपकी टाइमिंग थोड़ी सी मिस हो गई तो गड़बड़ हो सकती है। ये अक्सर हमने देखा है कि फिल्म के रिव्यू में वेरी गुड टाइमिंग बिटवीन द एक्टर्स, तो मैं तो ताज्जुब होता है मुझे, टाइमिंग तो एडिटर बनाता है। हाँ, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए सारे किरदारों के बीच में, और वहां पे जो है लाइव टू शॉट में एक ही फ्रेम में अगर दो एक्ट्रेस है तो उनकी टाइमिंग अगर मिस हो रही है तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसको भी कटिंग करके क्लोज अप लेके बनाया जा सकता है। तो टाइमिंग एक्चुअली डायरेक्टर और एडिटर बनाते हैं एज फार एज टेलीविजन एंड फिल्म्स आर कंसर्न। केमिस्ट्री की अगर आप बात करें तो आप कलाकारों से पूछ सकते हैं कि वो केमिस्ट्री अगर करेक्ट है, वाइब्स एक दूसरे के साथ करेक्ट है, कॉम्प्लीमेंटिंग है, अब स्टेजिंग नहीं है मैं मेरा अच्छा कर लो इसका बिगाड़ो, वैसे माहौल ना हो तो वातावरण अच्छा रहता है और बहुत खूबसूरती से जो है केमिस्ट्री निखर के आती है जो हमारे शो में। और ये आपको कलाकार ज्यादा बता पाएंगे कि उनको कैसा महसूस होता है आपस में परफॉर्म करते हैं, तो टाइमिंग तो अपने आप बन जाती है अगर केमिस्ट्री राइट हो तो, और वो एडिटिंग में भी बन सकती है। तो यानी कह रही कि सच नहीं बोल रहे हैं, भला नहीं थी सच बोल रहे हैं। उसकी वजह से प्रिया जी आपको पता नहीं। थैंक यू गाइस। एक स्माइल देगा सुप्रिया के बोलने में, इसका स्माइल देगा। फोटोग्राफर्स जहां तक आते हैं टाइमिंग के बारे में, मेरा किस्सा जहां तक मेरा सवाल है, मेरा तो टाइम बढ़िया लगता है, मैं टाइम पे आ जाता हूं एकदम पौने सात बजे के साथ में। 7 बजे की चाबी मेरे पास रहती है स्टूडियो की, वो सिक्योरिटी गार्ड मेरे बाद आता है, मैं उसको वेलकम करता हूं। ज्यादा भी लास्ट और इनको क्या ना बर्फ की जरूरत बहुत पड़ती है सुबह मेकअप के लिए, तो पहले पूरा यूनिट दौड़ता था, अब तो क्या ना रात को जो ग्लास में बचा होता है वही लेके आते हैं सुबह। We all, see, we are like this only, okay? Guys, we'll wait for photographs and then we'll have Chandra. Thank you. लेकिन एक मिनट, उन्होंने लास्ट क्वेश्चन अलाउ किया था, रोहिणी ने बोले बोले देखिए आखिरी क्वेश्चन किसी का है नहीं, तो बोल दो। अच्छा आखिरी एक बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। दो लास्ट क्वेश्चन है इनका और उनका। हमने 2002 में ये पैटर्न शुरू की थी, अगर आप देखेंगे तो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो हर फ्रेम में एक ही कलर पहनते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप एक कलर के कपड़े पहनते हो तो वो यूनिफॉर्म बन जाता है, और यूनिफॉर्म बच्चे पहनते हैं, तो साइकोलॉजिकली दे आर चिल्ड्रन, दे हार्मलेस चिल्ड्रन, तो इसीलिए जो है एक कलर पहना के हम उनको यूनिफॉर्म करते थे। लेकिन आप नोटिस करेंगे अभी 2-3 शो, मैं नाम नहीं लूंगा, 2-3 शो है वो भी ऐसा करने लगे हैं, पूरा का पूरा फैमिली सेम कलर के कपड़े पहन के आता है। वो क्यों आते हैं वो तो वही जाने, हमारे यहाँ उसका राज ये है कि वो इक्वल बना देता है सबको, इसलिए अगर एक कलर में सब लोग हैं तो आपको कोई स्पेशल नहीं लगेगा, सब स्पेशल लगेगी, कोई एक स्पेशल नहीं लगेगा, और सिर्फ चेहरे पे ध्यान जाता है, जैसा आपका कॉस्ट्यूम पे गया वैसा नहीं। लास्ट क्वेश्चन, हेलो लो First and foremost, this character I'll give to Atish. Because I'll tell you one thing very honestly and frankly is, Praful was the turning point in my career. After stage, I didn't eat my Rasagnoka, but this Khichdi's Praful was a turning point. People started knowing me as, मैं सुबह आज की तारीख में भी आज सुबह सिगरेट पीने के बाद में खड़ा रखा हूँ चाय पीने के बाद, तो मेरे मेरे घर के नज़दीक स्कूल है तो स्टूडेंट्स वहाँ से जाते हैं, तो प्रफुल्ल तू तो गधा है गधा, मैं अभी रिएक्ट भी नहीं करता हूँ बिकॉज दे नो दैट प्रफुल्ल इज स्टेइंग हियर, और वो जाते वापस घर जाते वो एक बार तो बोलते ही प्रफुल्ल तू तो गधा ही गधा, दे टेक चांस कि प्रफुल्ल शायद है और मैं उनको अगर मैं हूँ तो वे होगा। सो द बॉटम लाइन इज की आतिश इज द यू नो द क्रिएटर ऑफ प्रफुल्ल कैरेक्टर, ही इज द फादर ऑफ प्रफुल्ल कैरेक्टर, एंड आई थिंक आई हैव बीन एबल टू पोर्ट्रे इट प्रॉपरली। व्हाई 20 एपिसोड्स ऑफ 1 आवर?
बेटा कोई भी चीज है ना, और दूसरा कोई भी चीज है, खिचड़ी भी है ना, खिचड़ी भी ये आज बोलता हूँ, आज के बाद भूल जाना, नेक्स्ट सीजन में कितने नंबर आएंगे जवाब उस तरह से होगा। कोई भी चीज आप एक लिमिट के बाद तो खा ही नहीं सकते, पेट बिगड़ जाता। ये तो नहीं नहीं मस्ती था, बिकॉज आपने पहले ही बोला कि मस्ती भरा रहेगा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओके, ये 20 इसलिए है, इतने साल के बाद जब हम वापस आते हैं सीरियस नोट, कि इतने सालों के बाद आ रहे थे, वी आर कमिंग विद अ न्यू फॉर्मेट, 1 आवर कर रहे हैं, तो हम देखना चाहेंगे कि जिन दर्शकों की वजह से हम, देखो खिचड़ी क्या है ना, सिर्फ हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। अभी हमको फेसबुक पे और हर जगह कुछ ऐसे ऐसे मैसेज आता है कि थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग आवर चाइल्डहुड बैक। हमारी जिम्मेदारी है ना, हम जो सोचते आप सोचते, हम सबकी जिम्मेदारी है उससे कहीं आगे है, क्योंकि खिचड़ी कहीं ना कहीं लोगों की अपनी जिंदगी का हिस्सा है, अपनी गुड मेमोरीज का हिस्सा है। हम वो मेमोरीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उसको बिगाड़ना नहीं चाहते, तो बहुत मेहनत करके हमने किया है, इतना करते अच्छा जाएगा, एक ब्रेक लेके फिर उसके लिए वापस काम करना पड़ेगा। तो टीआरपी और नो टीआरपी ये सीजन में हम कोशिश करेंगे इतना ही रहेगा, बहुत डिमांड होगी तो 1-2-4 इधर उधर दिखेंगे, वरना ब्रेक लेके फिर से आएंगे। या बिकॉज एज वी सेड, वी आर आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू एंटरटेन खिचड़ी फैंस एंड much more than that. Yeah, thank you. Last खिचड़ी में हंसाते हंसाते हमेशा एक ही मैसेज होता है कि जिंदगी में हंसते रहो, मजे करते रहो, क्योंकि उसके बगैर जिंदगी में बाकी कुछ है ही नहीं। फैमिली एंटरटेनर खिचड़ी, थैंक यू। फोटो एंड देन वन ऑन वन, बच्चे आगे आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, दादा बैठ जाओ, एग्जैक्टली। मुझे अगर आप फोटो के लिए 5 मिनट देंगे तो मैं आपको परफेक्ट फोटो की जगह ऑर्गेनाइज करके देता हूँ। मैडम मोबाइल दीजिए भाई, दीजिए एक मिनट, जरा किसा मत 6 गाड़ी लो, तो खराब लगे ना किसा मत लगा। 1, 2, 3 here we go, smile। अभी एक मिनट रुक जाओ, अभी आपको आप बोले कॉमेडी फोटो, अभी हम आप दे रहे हैं आपको, आपने बता दिया हंसवा और अच्छे नहीं। Hey, sir. 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 Hey
ओके थैंक यू नाउ नाउ नहीं रे सर या 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 दादा थोड़ा अंदर आ जाओ ना दादा हां हां चल बापू जी आया आया हां सामने वंदना आपको दो मिनट में क्लिक करना है यस हां यहां पे इनको बच्चा सर सर वंदन लिया नीचे गिरा हुआ बोलो ऐसे मत लो ड्रेस स्टाइल मार दो शर्ट वर्ट पहना अच्छा लगता है अरे हाँ यार सर सर जीतवा यार चल बहुत फोटो है डन थैंक यू खिचड़ी एक वैसे एक डिश भी ऐसी होती है जिसमें चावल दाल सब्जियां मसाले सारी चीज़ें डाली जाती है और किसी भी हालात में वो खाई जाती है तो हमारी खिचड़ी भी वैसी है पावर पैक्ड है किसी भी टाइम पे आप ये देख सकते हैं आप एंजॉय कर सकते हैं किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं अकेले बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं और इसमें हर एक किस्म की चीज़ है जो आप लोगों को सूट भी करेगी और मज़े भी आएंगे और हमारे देश में हर जगह खिचड़ी बनती है ना हर प्रांत में बनती है वैसे अलग अलग ऐसे ही मूड हमारी खिचड़ी में भी है और पूरी फैमिली देख के बैठ के देख सकती है बच्चे से बूढ़े तक सब बैठ के देख सकते हैं और एक ही तरह सब जैसे बच्चा अब एंटरटेन होगा वैसे ही बूढ़ा भी एंटरटेन होगा जैसे आपने कहा कि हर कोई ये देख सकता है आजकल के जो शोज आते हैं कई शोज ऐसे होते हैं जो काफ़ी सेंट्रिक होते हैं फिर हो चाहे यंगस्टर सेंट्रिक हो जाए ऐसे बहुत कम शोज होते हैं तो काफ़ी टाइम बाद ऐसे फिर से कुछ ऐसा फैमिली सेंट्रिक शो देखने मिलेगा तो That is why this is खिचड़ी is going to be a relief. वही तो मज़ेदार बात है ना खिचड़ी की यही खिचड़ी का USP है कि हमारी एक टीम है टीम पूरी टीम एक टीम प्रेजेंट होती है स्ट्रेस बस्टर है खिचड़ी इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर अरे सर बात कर जाए तो कॉमेडी के लिए एक एनर्जी की हमेशा की जरूरत होती है और लंबे अरसे से आप कॉमेडी भी करते आ रहे हैं इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है इस तरह के रोल्स करना बहुत मज़ा आता है ना एनर्जी है तभी तो कर रहा हूँ मैं और ये एनर्जी आई खिचड़ी की वजह से मैं खिचड़ी ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है तो कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप लोग फील करते हैं इस शो को पूरा बनाने के मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं इस चीज़ को क्योंकि ये एक ब्रांड है जो हम सबको बहुत पसंद है और हम इस ब्रांड को ख़ुद भी उतना ही इंजॉय करते हैं जितना कि हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप भी इंजॉय करें तो इस वजह से हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा एक ख्वाहिश है कि हम आपको एंटरटेन करें और आपको भी वैसी ही इंजॉयमेंट दे पाएँ जो हम पहले दे चुके हैं क्या लगता है ये तो मैं नहीं कह सकती कोई भी नहीं कह सकता कि क्या किसी को लगता है लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हम होप ज़रूर करते हैं कि ये हमारी जो नई खिचड़ी हम पका के ला रहे हैं वो पहले से बेहतर है वो हम जानते हैं और हम चाहेंगे कि आप भी उतना ही इन्जॉय करो उसे और उतने ही लोग उसे सराहें जितना
हमारी पहली बार की अटेम्प्ट को सहारा था, जो पहली दो सीजन थी और फिल्म थी बाद में, उससे चार गुना ज्यादा एंटरटेनिंग और ह्यूमरस है, दैट इज फॉर श्योर। सेट हमारा एक्चुअली सेट हमारा बहुत सुंदर है, उसके बारे में जैसे जेडी ने कहा कि हम आपको बाद में रिवील करेंगे कि क्या है, लेकिन हम ये कहेंगे हम जहाँ भी जाते हैं, हम जब साथ होते हैं तो बहुत मज़ेदार ही होती है वो जगह, और हम उसे उतना ही लाइवली और उतना ही मज़ेदार बना देते हैं। हम हंसते खेलते रहते हैं सेट पे, और इस गर्मी के बावजूद हमने बहुत एंजॉय किया इसे शूट करना। शूट करते करते हमें बहुत मज़ा आता है, हंसते हैं खेलते हैं, काम तो करते ही हैं पर साथ में हंसते खेलते हमारा काम हो जाता है, ये मज़ेदार। और बात जो मुझे लगती है कि हम लोग खुद भी एज एक्टर्स स्ट्रेस बस्टर है हमारे लिए भी खिचड़ी तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम खुद ही घर जाते हैं, हालांकि पूरा दिन बहुत काम किया होता है लेकिन हम फिर भी रिलैक्स रहते हैं। 12 घंटे काम करने के बाद हम थकते नहीं है, मेंटली आल्सो एंड फिजिकली आल्सो। अच्छा थैंक यू, सुनिए क्यों 5 का 10 मिनट हो गया, व्हाई 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 यू हैव अनदर 3 पीपल प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है, एक्साइटमेंट बहुत है, क्योंकि एक तो मेरे लिए पर्सनली बोलूँ तो मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, इसलिए मुझे आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। एंड जब हम लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा तो एक्साइटमेंट और बढ़ गई। दैट्स व्हाट आई टोल्ड जेडी आल्सो एंड आतिश आल्सो, इट्स अमेजिंग, और आई मीन सबके रिएक्शंस देख के और वो खून थोड़ा सा यू नो लाइक ऐसा लगा कि अब बस अब जल्दी आ जाए और लाइव रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब तो जैसे फेसबुक और इंस्टा आ गया है तो उस पर इमीडिएट यू नो दे स्टार्ट गिविंग योर रिएक्शंस, तो आई एम सुपर एक्साइटेड। देखिए हमने एक पायलट बनाया था और स्टार प्लस को बहुत खूबसूरत लगा, वो उन्होंने कहा कि हम एक सीज़न करते हैं, तो हमने फिर उस पर ही आगे लिखना शुरू किया, लेकिन बातों बातों में हमें एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा सेट बनाए जो सेट जो है वो एक किरदार बन के बखूबी ऐसी खूबसूरती से और इतना कंटेम्प्रेरी और आज के जो माहौल है उसको प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता हुआ कोई सेट हो, और सेट जो है ऐसे ही मामूली ऐसा कोई भी है वही घर है जो ऐसा ना हो, और वो एक पात्र बन के कहानी को आगे लेके जाए तो कैसा हो सकता है, इसलिए उसको एक पात्र बनाया। आप देखेंगे सेट पे आके तो आपको पता चलेगा कि सही मायने में एक ऐसा सेट है जो आज से पहले कभी नहीं आया है और कहानी को आगे बढ़ लेके जा रहा है। और जैसे आपने प्रेशर की बात करी ना, तो प्रेशर क्या होता है ना, जब लिखना चालू करते हैं हम जब आइडिएशन चालू करते हैं तब प्रेशर होता है कि यार कुछ सूझ नहीं रहा है, पहले 27 दिन कुछ आया ही नहीं दिमाग में और फिर अपने आप जो है स्त्रोत्र की तरह निकला और गंगोत्री की तरह फिर वो जो है अपने आप आने लगा, तो वो प्रेशर एक बार जब चला जाता है उसके बाद सब कुछ इजी हो जाता है। तो प्रेशर एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट से होता है कि यार स्क्रिप्ट ठीक से बनेगी या नहीं बनेगी, वो बन जाती है उसके बाद सब अपने आप क्लॉकवर्क की तरह बैठ जाता है। मैं एक मिनट में सवाल पर कुछ बोलना चाहता हूँ, मेरे मुँह में मावा नहीं है, गोली है, आवाज़ बैठ गया तो गोली को साइड पे करता हूँ और बोलता हूँ। हाँ ये बोला ना इन्होंने सेट के बारे में, जो मैंने बोला ना आप ज़रूर आना देखना, सेट इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन उसमें एक कैच है, आप कोई भी सेट देखते हो या अच्छा सा घर देखते हो, महल देखते हो, बंगलो, साइलेंस, अरे मेरे बाइटिंग में मेरे बाइटिंग या बाइटिंग नहीं बाइट के टाइम तो बोल, तो आपको लगता नहीं है कि मैं उस घर में जाके रहूँ, लगता है ना, लगता है ना, हाँ या ना, तो बोलो हाँ लगता है, हाँ ये घर में जाने के बाद ये इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत लगता है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि ये घर में रहना नहीं है, मैं ऐसे घर में रहूंगा नहीं, ये कैच है सेट का, अभी मजा आ रहा है एक्चुअली, अभी देखो इट इज वो इतना पॉजिटिव है कि हम लोग शूटिंग खत्म होने के बाद भी काफी घंटों तक बैठे रहते हैं। सीरियस बात पे चलिए, ऐसे घर में रहोगी आप, ये घर में घर में आई एम टॉकिंग अबाउट द सेट, बाथरूम में रहोगे वो बाथरूम यूज करोगे, इज अ डिफरेंट थिंग सेट, वो घर के बाथरूम में ना इतना बड़ा बाथरूम है, आप एक बार आइए, सो वी आर इनवाइटिंग यू
और हम हमारे सारे दर्शकों को हमारे सेट पे इनवाइट कर रहे हैं। आप 14 अप्रैल को 8 बजे 5 मिनट पहले से बैठ जाना, क्योंकि एक सेट का सबसे बड़ा जो विजुअल है, एक कैमरा ऐसे से ऊपर ऊपर जाता है, आजकल पता ना वो ड्रोन 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 आता है, और जो सेट दिखाया है यू विल गो मैड, यू विल लव इट एंड यू विल रिमेंबर के ऐसा नहीं देखा है। या कुछ पूछ रही थी आप, सर देखा है तो फिर ये प्रोमो भी एक दिन में बना बता रहे थे सर, मोबाइल पे भी ले रहा है, पीसी भी कैंसिल हुई थी, इसके पीछे कुछ खास रीजन है? ऐसी बात पे ना पब्लिक में बोली नहीं जाए, किसी को पता नहीं चलेगा, कुछ और बोलना नहीं, इसके पीछे कुछ खास रीजन? अरे फिर शो ही नहीं आएगा ऑन एयर, प्रोड्यूसर तो बाहर जाके ऐसी सी बातें करता है, शो ऐसा है पीसी तबीयत की वजह से कुछ ऐसा हो रहा था कि नहीं होगी, बट वी गॉट इट। और बोलने की बात होती है कि हम लोग सोच रहे थे लाइव स्किट करने वाले थे, पहले हम लाइव परफॉर्म करने वाले थे, फिर है ना ये वंदा जी लाइन भूल रही थी, नर्वस हो रही थी, जान वंदा जी का नाम नहीं लेते, राजीव 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 बोलता कि मैं लाइव परफॉर्म नहीं करूँ, मैंने लिखा नहीं, अच्छा इन्होंने लिखा नहीं, चलो छोड़ो, तो इसलिए कैंसिल हो गया। और हमने ये नो व्हाट हैपेंड, लाइव परफॉर्मेंस का सिंपल थोड़ी मस्ती हो गई, लाइव करने जा रहे थे पर हमको क्या लगा पीपल की वॉकिंग इन, और लाइव में ना किसी को समझ में नहीं आता था, तो हमने कल रात को कैंसिल किया, बोला ये AVM वापस चला देंगे, आप लोगों को लेने वो AV चलाने का मजा आएगा, इसलिए लाइव कैंसिल किया। सर एज यू मेंशन दैट योर ब्रेकिंग न्यूज़ यूट्यूब में लीक हुआ था कुछ एपिसोड, तो कैन यू टेल अस अबाउट हू लीक दिस वीडियो? या उसके बाद हू लीक द वीडियो? अरे भाई मस्ती करने के लिए बोला था, वैसे यूट्यूब पे लीक होता मैं क्या बोला, बोलो ना मीडिया में एक बार कुछ बोलूंगा ऐसा, तो गेम ऑफ थ्रोन कैसे लीक हुआ था उतना सक्सेस हो जाएगा सब जगह। देखो आज पहले से तय किया था हम मस्ती मजाक करके करेंगे, वो YouTube वाली बात एकदम मस्ती थी, इसलिए मैंने उसको डराया, चैनल डर फफड़े नहीं देखा नहीं वो फफड़ मैं बोला मस्ती क्यों माहौल मस्त, आप मुझे सच में बोलो मजा आ रहा है इस तरह के माहौल में? सीरियस जॉब क्या देने का खिचड़ी में? हाँ जैसे आपने वो मैसेज वाली बात की, नहीं कोई मैसेज नहीं है, क्यों आप व्हाई शुड यू हैव व्हाई शुड यू वांट, नहीं उसके लिए टीवी देखने की क्या जरूरत है, वो किताब पढ़ो, टीवी देखना एंटरटेनमेंट होता है, और ये सब मैसेज के नाम पे जो टीवी शोज हो रहे हैं ना, हम तो मैसेज देते हैं, वो मुझे मेरे ख्याल में जो है कुछ मैसेज ऐसे नहीं होता। और मैसेज किसको लेके, मैं तो टीवी देखता ही नहीं, मैं तो अपने शो के जोर से बोल सवाल कोई गलत ट्रैक पे जा रहा है, एक ही दिन में बना हुआ है प्रोमो, अरे नहीं प्रोमो नहीं बना एक दिन में, ये शोरी शोरी अरे महीनों की मेहनत है, ये क्या सवाल पूछता है, महीनों की मेहनत बन के ये प्रोमो स्टोरी ही बना है। अभी 6-7-8 मिनट हो गया, पीछे 3 लोग लाइन में। देखो एक ये होता है कि आप अपने आप को इतना ज्यादा सीरियसली ले लो कि अरे हमने तो, ऐसा कुछ नहीं है, क्या है ना ऑडियंस होती है ना वो ब्रांड बनाती है, हम कोई ब्रांड नहीं बनाते, हम तो शिद्दत से हमारा काम करते हैं, ऑडियंस उसको जो है सराखों पे रखती है, चैनल उसको अच्छी तरह से प्रमोट करती है, चलाती है, और फिर अपना नतीजा अपने आप आ जाता है बाहर। हमें सिर्फ ये करना है कि हम उनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको, उस पर हम खरा उतरे। तो इस बार जो है हमने और मेहनत की है अच्छी स्क्रिप्टें बनाने में और अच्छी तरह से शूट करने की कोशिश की है, लेकिन वो प्रेशर अगर हम सर पर लेकर चलेंगे कि अरे हमने क्या तोप बनाया, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ चीजें बन जाती हैं और वो जैसे बन जाती है उसको अखंड रख के उसको वैसे ही आगे लेके जाना, जैसे वही एक खूबसूरती होती है। दिन पे हमने मेहनत की थी, जितने ही मतलब वी वेर ऑल एक्साइटेड एंड जितनी हम लोगों ने मेहनत की थी वैसी ही मेहनत हमने इस बार की है, सो वी वेर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड, आई मीन कोई प्रेशर नहीं, सोचा नहीं कि हाँ अच्छा मूवी देखा जाए सीरियल देखा जाए रियल हीरो होता है वो डायरेक्टर ही होता है, तो कितने स्ट्रिक्ट है और किस तरह के डायरेक्टर? अरे बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, आपने देखा यानी घर से शुरू होते तब तक स्ट्रिक होते हैं, हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, इनको 7 बजे पहुंचना है, मुझे भी 7 बजे पहुंचना होता है, और मैं 5-10 मिनट लेट होता तो गाड़ी में छू, आई मीन कार, वहां से स्ट्रिक है। नो ऑन अ फनी जोन इज अ वंडरफुल एक्टर, वंडरफुल डायरेक्टर एंड इज वेरी टैलेंटेड एक्टर हिमसेल्फ। तो ये क्या ना, हम तो क्या करते ना कॉपी करते हैं, ये ही करके दिखाते कि ये लाइन ऐसे पढ़ो ऐसे, और इनकी लिखाई जो है उसका मीटर इतना ब्रिलियंट होता है कि अगर हमने एक वर्ड इधर से उधर या ऐसे डाला ना तो वो फिक्स वो बनता नहीं है बराबर। सी स्ट्रिक्टनेस उसी में आती है उनकी कि भाई जो है वो समझ के उसी तरह से बोलो तो उसका मजा है, बिकॉज एक वर्ड इधर उधर हो गया तो इट चेंजेस द मीनिंग। एंड खिचड़ी हमारा जो आप देखते हैं ये एवरीथिंग इज रिटन बाय हिम। हमें कितनी बार मुझे लोग पूछते हैं कि आप इतना इम्प्रोवाइज करते हैं खिचड़ी, आई सेड नो नथिंग नॉट इवन एक चीज, चाय का कप कब देना है कब नहीं वो भी रिटन या मैं प्रोवाइड करता हूँ
लिखते कप के बारे में ये कप हमारा प्रोडक्शन लाता है वो सारी चीजें वो रिटन होती है तो इसलिए हमें कोई मतलब ओनली थिंग वी हैव टू इज फॉलो इट दैट्स इट क्या होता है ना एक क्या होता है चीज कि आप अगर एक शो कर रहे हो लगातार तो फिर आपको एक्सपेक्टेड पता होता है कि अभी ये डायलॉग तो ऐसे ही बोला जाएगा तो एज अ डायरेक्टर मैं ये कोशिश करता हूँ एक्टर को समझाने की कि हाँ ऐसे तो बोला जा ही सकता है मतलब जैसे कि इन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइट हार्टेड रखी तो सीरियस भी हो सकती थी लेकिन अलग हुई तो उसका एक अलग पहलू बाहर निकल के आया तो एज अ डायरेक्टर मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये लाइन ऐसे तो बोली जा सकती है बहुत ईजी है बहुत कॉमन है आपको पता भी है ऐसे कैसे ना बोली जाए और कैसे अनएक्सपेक्टेडली उसका मतलब बाहर निकल गया है ताकि उसकी फ्रेशनेस बरकरार रहे उसमें मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ बाकी मैं आपको 2 मिनट देता हूँ ये जाने नहीं वंदना जी को आप प्लीज रोक प्रिंट मीडिया अब मैं 2 बच्चों को लाना चाहता हूँ ऐसे शक्ल से लगती है ना ये भी देखो शक्ल से सेम चश्मा सेम फैमिली के लगते हैं ना हम लोग अब सवाल पूछो एक ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पेरेंट्स हैं तो कास्ट कर लेते हैं आई थिंक यू आस्क देम एंड दे विल रिप्लाई किस तरह से शो मिला आपको वी हैड टू गो हम लोग को बहुत सारी ऑडिशंस देनी पड़ी थी और हम लोग को लाइक वी थॉट दैट वी वुडंट गेट थ्रू बट हम लोग वन ऑफ द रीजंस के हम लोग अंदर वी गॉट द शो वाज बिकॉज मूवी जो था उसमें भी जैकी ने ऐसे ही चश्मे पहने थे और चक्की भी मेरी तरह थी तो तुम्हारी बहन थी मेरी बहन थी मैं उसका ना आपको ये चक्की और जैकी का कास्टिंग पहले फिल्म में था ये देखो लगते हैं होल्ड इट अगू लगता है थोड़ा ऐसा ये देखिए ये लगते हैं रोलू पोलू और ये चश्मे वाले इंटेलिजेंट बच्चे का फोटो साथ में सो दिस इज हाउ द लुक वॉज अर्लियर जैकी एंड चक्की कंटिन्यू सो व्हेन पापा टोल्ड मी दैट इफ यू डू यू वांट टू एक्ट इन खिचड़ी आई वाज शॉक्ड आई डिडंट नो इवन आई वांटेड टू आई वाज शॉक्ड आई रियली डिडंट नो इफ आई इवन वांटेड टू एक्ट इन खिचड़ी आई डिड अ रोल इन पापाज वन But you say I have one small role as alien. What's his name? Okay, you talk about alien. Kichli now. Yeah. So I had like a tiny bit of experience, but I was shocked. I really didn't want to go actually, and I never watched the serial. I only watched the movie once. But then I thought of it, and I thought like. But whose idea was it to cast you all two? JD uncle and Papa's idea, both of the ideas to cast okay, both of there. Us for. No, the simple reason is. बिकॉज वी नीडेड जैकी चक्की जिनकी अपने आप में ज़बरदस्त केमिस्ट्री हो बिकॉज इन सब के सामने खड़ा रहना कम्फर्टेबल रहना तो इनकी दोनों की दोस्ती है एक स्कूल में जाते हैं रोज सुबह साथ में जाते आते हैं एंड दे आर गुड एक्टर्स उनकी स्कूल में आप देखोगे तो दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन देयर प्लेस जो उनकी स्कूल में आजकल ट्रेनिंग होती है तो वी फेल्ट वी शुड कास्ट देम और एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था हमारा जो सेट है ना वो ऐसा है ना कि उसमें बच्चों को शायद थोड़ी तकलीफ हो सकती थी वो हमको मालूम था कि बच्चे किसी और के आएंगे ना तो दे दोज किड्स शुड नॉट गो थ्रू दिस ट्रबल्स एंड दैट्स वाई वी वॉन्टेड टू लेट अवर किड्स टू गो थ्रू दोज ट्रबल्स वी सेड वी विल हम बैठेंगे ना तो चलेगा अब ये बात अब आप सेट पे होगे ना तब वाकई वहाँ पे शूटिंग करना इतना आसान नहीं आसान जितना नहीं। कि और कंफर्टेबल सेट्स पे होता है और वो सेट ही इस तरह का है कि वहाँ पे मुश्किल होती है तो जेडी ने कहा कि हमारे बच्चे ना इंड्योर कर लेंगे और हम उनसे कहेंगे कि आपको करना पड़ेगा दूसरे के बच्चों को शायद ज़्यादा दिक्कत आए और दूसरी बात जेडी ने बहुत अच्छी खूबसूरत कही थी इसी की वजह से आज मैं कह रहा हूँ कि मिस्त्री और अगस्त से ये शो कर रहे हैं कि उनको एक डिसिप्लिन की तालीम मिलेगी बिकॉज सेट पर ना वो फादर होता है ना मैं फादर रहता हूँ शूटिंग जब तक ख़त्म नहीं हुई तब तक कोई पैम्परिंग नहीं आके अपने कपड़े डायलॉग नहीं बोले तो काफ़ी बार मेरा बेटा रोया है आँखें भर आई है क्योंकि काम काम होता है और वो शिद्दत से ही करना पड़ता है तो जैसे आपको टीचर आपको डांटते हैं वैसे हम भी उनको डांटते हैं और उनको लेना पड़ता है एक मिनट ये इनका हो गया बच्चों को पूछो ना वो आप सेट आगे के देखेंगे तभी बता चलो क्या एक्सपीरियंस रहा शेट का थोड़ा बताएं कुछ प्रॉब्लम्स हुई आप लोगों को वापस देखता हूं दो बच्चे प्रिंट मीडिया हां एंजॉय बहुत किया और इसका हिंदी सुनने लायक है अभी अंग्रेजी सीरियल से अभी अभी बुलाया है इसको हमने पर डायलॉग अच्छा बोलता है
मेरा पास भी एक्सपीरियंस हुआ है एक एड में थैलेसीमिया की और मैंने खिड़की में भी एक रोल किया था तो मुझे एक्टिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस है बट मज़ा बहुत आता है क्योंकि हम दोनों साथ में आते हैं। अच्छा कितना मेरे भाई चल 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 आलको ने ले जा तू प्रिंट में जा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ पड़ता ये इम्पोर्टेंट है ससुराल है लव इंटरेस्ट है आप समझे इनको ज्यादा पूछो ज्यादा बोलो खिचड़ी में हकीकत में नहीं अरे हकीकत में तो बिल्ली को मिला है ना बच्ची के साथ इंटरव्यू किया ना वो लोग को मालूम नहीं है देखा कितना परमिंदर है यार ये सारों को बजा पूछो पूछो कुछ सवाल पूछो अच्छा लव इंटरेस्ट किन में वो भी आपको गेस करना पड़ेगा ये भी हो सकते हैं क्योंकि ये भी परमिंदर है देखा इनका देखा सोचने का तरीका देखा दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कॉन्टेम्पररी खिचड़ी भाई सबसे पहले तो जेडी भाई और आतिश भाई ने कहा है कि खिचड़ी पेट भर के लेकिन हम कहेंगे स्वाद लगा के क्योंकि इस बार खिचड़ी में लगने वाला है पंजाबी तड़का हां जी हां जी काफी अलग खिचड़ी दिखने वाली है पंजाबी तड़के के साथ तो आप लोग कितना अच्छा तड़का लगाने वाले खिचड़ी में क्योंकि हमने ऑलरेडी इनका तो देख चुके हैं आप कितना अच्छा तड़का अच्छा मेरा देख चुके तो मैं एग्जिट लेता हूं नहीं नहीं अरे नहीं नहीं आई एम फाइन अरे मैं मस्ती में आई हैव टू इंट्रोड्यूस द परमिंदर फैमिली इतना इंपॉर्टेंट था परमिंदर फैमिली का कास्टिंग करना बिकॉज इतना अच्छा किया होता है और जब तीन आप देखो इसमें से हम पुराने हैं पर नए किरदारों में अरे पुराने स्ट्रॉन्ग किरदारों में हम किसी को ला रहे हैं तो दे हैव टू बी सो स्ट्रॉन्ग एंड गुड तो इनके लिए बड़ी डिफिकल्ट जॉब थी अब देखो ये बोलते हैं बातें करो इनको ना ऐसे ऐसे सवाल पूछो ना कि आपको इनका परमिंदर पना बाहर आ जाए या सो आई विल जस्ट जॉइन मैं देख के आता हूँ आ ही जाऊँगा चिंता आपके सवाल का जवाब बहुत सिंपल है क्योंकि जब भी हम परफॉर्म करते थे ना ऑब्वियसली इतने बड़े वेटरन्स और इतने बड़े फेमस और पॉपुलर कैरेक्टर्स के सामने हम खड़े रहते थे तो जैसे हमारा सीन खत्म होता था ना तो हमें एक ही कमेंट मिलता था कि भाई ये देखो पंजाबी हंसा प्रफुल और हिमांशु तो हमारे लिए तो ये अवार्ड से भी बहुत बड़ा अवार्ड है कि हमें टाइटल मिल गया है कि पंजाबी हंसा प्रफुल और हिमांशु प्लीज परमिंदर कौन से परमिंदर से पूछ रहे हैं हाँ कौन से किन से पूछ रहे हैं आप पहले ये बताइए लेडी परमिंदर मैं हूँ बहन परमिंदर ये लेडी परमिंदर ये वहाँ उनको जब हमें बुलाते हैं एक्शन के लिए वो खुद ही परमिंदर बुलाते हैं तो हम सब हाँ जी बोलते हैं तो वो कंफ्यूजन ऑन सेट भी रहता है और स्क्रिप्ट में तो है ही है तो आपका क्वेश्चन क्या था जी इट इज एन ऑनर इट्स अ प्रिविलेज एक्चुअली इट इज अ ड्रीम कम ट्रू बिकॉज आई हैव एसोसिएटेड विद हैट्स ऑफ फ्रॉम लास्ट 7 इयर्स फ्रॉम आरके लक्ष्मण दुनिया एंड मैंने पहली जब खिचड़ी देखी थी उसमें जब मैंने गिरीश को सरदार प्ले करते हुए देखा था तो मुझे तो थोड़ा सा ये लगा था यार कि मैं क्यों नहीं और आज जब मैं खड़ा हूँ परमिंदर के कैरेक्टर में सो माय तो ड्रीम कम टू बाकी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये खिचड़ी हम बचपन से देखते आ रहे हैं इट वॉज लाइक हम स्क्रीन पे देखते थे और उसी खिचड़ी का पार्ट बनना इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू तो उसी खिचड़ी का पार्ट बनना हमें इतना अच्छा लगता है और दूसरा इट इज़ अ ट्रीट हम काम करने नहीं जाते हम एक ट्रीट है हमारे लिए कि हम वहाँ पे हंसते हैं साथ में खाना खाते हैं मज़े करते हैं और ऐसा मतलब पता ही नहीं चलता कि हमारा दिन कब ख़त्म हो जाता है It's an honor. Yeah, yes. it's a mental spa, I would say. तो इतना intense काम करके I'm doing porous right now. उसमें मेरा किरदार इतना intense है इसके बाद मेरे को लगता है कि मेरी relax हो गई हूँ मैं पूरा दिन हंसते ही रहते हैं हम और हमारा जो ambience है set पे ऐसे लगता ही नहीं कि shooting करने जा रहे हैं इसलिए कोई performance का pressure नहीं होता on इतना spontaneously सब act करते हैं और आतिश sir is wonderful. ओ जी लास्टली ये कहना चाहेंगे कि खिचड़ी है बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले हम पर्सनली जेडी सर और आतिश सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहेंगे क्योंकि मतलब मैं उनके साथ एक 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 शो पहले भी कर चुकी हूँ दो शो कर चुकी हूँ पर इतना इतना इंजॉय करते हैं आतिश सर की राइटिंग और पूरा सेट और पूरा एटमॉस्फेयर बहुत इंजॉयबल होता है लगता था कि हम कहाँ फिट होंगे इस गुजराती पारेक फैमिली में बट थैंक गॉड दे हैव इंट्रोड्यूस सो मेनी परमिंदर्स दैट वी ऑल गॉट अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ आपके सवाल का जवाब ऑडियंस और व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि भाई खिचड़ी सचमुच इंजॉय करिए पेट भर के खाइए स्वाद लगा के क्योंकि बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोगों के लिए सब वैरायटी है इसके हाँ जी एंजॉय थैंक यू ऑल द बेस्ट थैंक यू